बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर टाइप्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस बेसिकली इक्विपमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। कम्युनिकेशन डिवाइस इज इक्विपमेंट यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइस इज टेलीफोन मॉडम विच कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ फोन लाइन टू एक्सेस टू अनदर कंप्यूटर। बेसिकली मॉडम क्या करता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव करने के लिए। फोन लाइन के थ्रू उसको सेंड किया जाता है, यानी जैसे पीडीसीएल की जो फोन लाइन इस्तेमाल करते हैं वो मॉडम है। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल के टर्म में काम करता है जबकि जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग सिग्नल के टर्म में काम करती हैं। तो जो मॉडम होता है ये ज़रूरी होता है कि वो जब मॉडम हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे, तो मॉडम का काम होता है कि वो डिजिटल सिग्नल जो कंप्यूटर का है उसको कन्वर्ट करे एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि फ़ोन लाइन तो एनालॉग सिग्नल यूज़ करती है, ताकि उससे फ़ोन लाइन के थ्रू सेंड किया जा सके इंफॉर्मेशन को। जिस कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ पर भी एक दूसरा मॉडम लगा होगा जो उस एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि जो अदर यूजर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है दूसरा पर्सन कंप्यूटर उस एनालॉग डिजिटल सिग्नल को दोबारा कैच करके यूज़ कर सके, इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सके, दूसरा कंप्यूटर उसको यूज़ कर सके। टाइप्स ऑफ मॉडम की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के मॉडम यूज होते हैं। सबसे पहले डायल अप एक्सेस। इस मॉडम में बेसिकली आप ऑन डिमांड एसएस होती है मॉडम यूज़ करते हैं और रेगुलर फोन लाइन इस्तेमाल की जाती है। इसकी स्पीड रेंज करती है 2400 बीपीएस टू 56 केबीपीएस। ये जो मॉडम होता है ये चीप होता है, यानी सस्ता होता है, लेकिन इसके थ्रू जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। सेकेंड वन जो हमारे पास है वो है केबल्स के थ्रू। इसके लिए हमें स्पेशल केबल मॉडम और केबल लाइन रिक्वायर्ड होती हैं। इसकी नेट स्पीड रेंज का रही होती है 512 kbps टू 20 mbps bps। इसको यूज़ करने के लिए पूरे एरिया में जहाँ पे आप इसको यूज़ करें वहाँ पे केबल सस्त मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पर DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये अनयूज पोर्शन यूज़ करती है रेगुलर डिजिटल कॉपर लाइन का डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। इसके लिए हमें स्पेशल मॉडम और कॉपर कार्ड रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी स्पीड रेंज का रही होती है 128 kbps टू 8 mbps। इसकी अगर बात करें तो ये बेसिकली नॉर्मल जो टेलीफोन यूज़ कर रहे होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। ये टेलनोर जो टेलीफोन कंपनी स्विच होती है उसके 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ये होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस। इसकी एक्सेस ऑब्टेन की जाती है हाई स्पीड सेलुलर कनेक्शन के थ्रू। स्पीड इसकी रेंज का रही होती है 30 mbps या इससे ज़्यादा होती है। हाई स्पीड डाटा के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है वायरलेस को, ब्रॉडकास्टिंग टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, वायरलेस टेलीफोन सर्विस वगैरह के लिए इसे यूज़ किया जाता है। द लास्ट वन इज सैटेलाइट। ये न्यू वर्जन है, टू वे सैटेलाइट एक्सेस रिक्वायर्ड होती है। मॉडर्न की इस टाइप की वजह से हमें फोन लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी नीड रिमूव हो गई है। इसकी स्पीड रेंज का रही होती है सिर्फ 6 mbps या इससे ज़्यादा होती है। इसके कुछ कनेक्शंस के लिए हमें एग्जिस्टिंग इंटरनेट सर्विस रिक्वायर्ड होती है। इसकी सेटअप फी $500 से
डॉलर 1000 के दरमियान रेंज कर रही होती है। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर उसके टाइप्स पे। कंप्यूटर की अगर टाइप की बात करें तो कंप्यूटर डिफरेंट शेप साइज और कलर के होते हैं और वाइट ऑफ नीड पूरी कर रहे होते हैं, यानी डिफरेंट इंडिविजुअल बिजनेस या गवर्नमेंट के लिहाज से इनकी नीड के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर्स होते हैं जो उनके डिफरेंट नीड्स या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अप्लाइंस की बात करें तो हमने कहा ये कंप्यूटर डेडिकेटेड डिवाइस हैं, ये कंप्यूटर है जो सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कैलकुलेटर का काम अगर कैलकुलेटर कहें तो ये भी कंप्यूटर की टाइप है, लेकिन इसका काम सिर्फ क्या है कि एक फंक्शन परफॉर्म करता है कैलकुलेशन, या कंप्यूटर गेम्स वगैरह। दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो हमें कहा ई बुक या इलेक्ट्रॉनिक बुक, इसे हम कंप्यूटर पे ही रीड कर सकते हैं, या स्पेशल रीडिंग डिवाइसेस होते हैं इसके लिए यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर की अगर साइज की बात करें तो कुछ कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत आसान होता है, इजीली आप कैरी कर सकते हो। कुछ का साइज इतना बड़ा होता है जितना कि फोन टेलीफोन बूथ हो गया, इतना बड़ा उसका साइज होता है, हमने कहा उसको कैरी नहीं किया जा सकता। साइज की बेस पे अगर हम किसी की पावर स्पीड या प्राइस को करें कि साइज की बेस पे हम कहें कि अगर साइज ज़्यादा तो ऑब्वियसली इसकी पावर ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी या प्राइस ज़्यादा होगी, उसकी बेस पे आप एक कंप्यूटर की टाइप को दूसरे कंप्यूटर की टाइप से को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का डिफरेंट, हर कंप्यूटर टाइप डिफरेंट नीड्स को एड्रेस कर रही होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प आउट कर रही होती है। अब हम तमाम कंप्यूटर की टाइप्स जो है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन, अ सेलुलर टेलीफोन विद अ कीपैड जो डिफरेंट प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं लाइक म्यूजिक, फोटो, ईमेल्स, और बहुत ज़्यादा फीचर इसमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के भी शामिल होते हैं। स्मार्टफोन ये भी कंप्यूटर ही की एक टाइप है। सेकेंड टाइप है हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये एक स्मॉल हैंडहेल्ड कंप्यूटर होता है जो डिफरेंट सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे नोट्स लेना, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना, एड्रेस बुक मेंटेन करना, ये कैलेंडर वगैरह मेंटेन करना, ये डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा होता है। पीडीए बेसिकली टच स्क्रीन के तौर पे काम कर रहा होता है, ये टच सेंसिटिव होता है, जो जो यूजर को अलाउ करता है कि वो डायरेक्टली स्क्रीन पे राइट आउट कर सकते हैं और जो वो राइट कर रहे हैं उसके वो उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसके पिक्चर ले सकते हैं। थर्ड वन इज हमारे पास है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बेसिकली इतने पोर्टेबल होते हैं कि आपके इजीली आपके पर्स में या पॉकेट में फिट इन होते हैं, और इसके अपनी ये बैटरी या पावर वगैरह ये यूज़ कर रहे होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैपटॉप। कंप्यूटर डैट हैव पोर्टेबल इनफ टू फिट इन ऑन अ लैप और इन अ बैग, एंड कंप्यूटर हैज इट ऑन पावर सोर्स ऑफ बैटरी और लैपटॉप। लैपटॉप में बेसिकली वो तमाम फीचर्स होते हैं जो किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर में हो सकते हैं, लेकिन इसका वेट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 2 pound के अराउंड होता है इसका वेट। नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर बेसिकली फ्लैट स्क्रीन की तरह होते हैं, इसमें डाटा एंटर करने के लिए या इनपुट के लिए आप माउस या फिंगर टिप यूज़ करते हो, कीबोर्ड वगैरह इसके साथ नहीं होता, कीबोर्ड अटैच नहीं होता, यानी डाटा एंटर करने के लिए या तो आप फिंगर टिप यूज़ करोगे या माउस यूज करते हैं। टैबलेट कंप्यूटर में के लिए आप राइटिंग पेन या स्टेलस यूज कर सकते हैं नोट लिखने के लिए स्क्रीन पे, और यस स्क्रीन को जैसे कि हमने कहा कि फिंगर टिप के लिए आप डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, लिंक क्लिक कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ये लाइक पीडीए की तरह आप इस पर डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि नेम से स्पेसिफाई है कि सिंगल यूजर्स को यूज़ कर रहा होता है, वो इसके फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, जैसे चाहे इसको यूज़ कर सकता है पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर। नॉर्मली जो कंप्यूटर आप ऑफिस वगैरह में देखते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर जो किसी डेस्क पे प्लेस किया जाता है और इसको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
कंप्यूटर बॉक्स होता है, इसमें एक सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, टॉप पे मॉनिटर होता है। सम टाइम ये जो बॉक्स होता है ये वर्टिकल होता है, जिसे टावर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क स्टेशन। ये डेस्कटॉप ही की तरह होते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल फंक्शन या ग्राफिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इनकी ज़्यादा होती हैं, और डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड टास्क ये बहुत कम टाइम में परफॉर्म कर लेते हैं। नॉर्मली जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या इंजीनियरिंग वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये जिसकी मोस्ट कॉमन एक टाइप सर्वर है, ये सर्वर है। नॉर्मली ये इस टाइप के कंप्यूटर स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस इन्वायरमेंट में यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं एट अ सेम टाइम, सिमल्टेनियसली डिफरेंट नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। कॉमन टाइप जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी सर्वर है जो यूज़ किया जाता है कंपनी का इंटरनल डाटा, उसके ऑपरेशंस को, एप्लीकेशन को, नेटवर्किंग और वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, इंटरनल इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मिनी कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस इन्वायरमेंट में। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किया जाता है लार्ज बिजनेस इन्वायरमेंट में। मिनी कंप्यूटर कुछ लोगों की नीड्स को पूरा कर रहा होता है, सेवरल पीपल नीड्स पूरा कर रहा होता है, जबकि मेन फ्रेम पीपल हंड्रेड ऑफ पीपल की नीड्स को फुलफिल कर रहा होता है एट द सेम टाइम। बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टेप फॉरवर्ड है इन साइज, पावर, कैपेबिलिटी एंड कॉस्ट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। यानी मिनी कंप्यूटर की मोस्ट एडवांस शक्ल है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो साइज में भी, पावर में भी, कैपेबिलिटी में भी मिनी कंप्यूटर से आगे हैं। लास्ट वन जो टाइप है वो हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट, पावरफुल और मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा वगैरह ये यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर को, क्योंकि हमने को बहुत ज़्यादा रिसर्च परफॉर्म करनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हैंडल करना होता है, तो सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, इन्फॉर्मेशन को बहुत ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं। डिफरेंट और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे जनरल मोटर्स, ये भी सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, और क्योंकि हमने कहा इनकी ट्रांजेक्शन की बहुत ज़्यादा होती हैं, ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। आजकल के जो सुपर कंप्यूटर है उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज 200 टेराफ्लॉप्स से भी ज़्यादा है। डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट सुपर कंप्यूटर रिसर्च को फंड करती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ब्रेक्स आते हैं, एडवांसमेंट आती है। उसमें से कुछ एक तो है क्लस्टरिंग, जिसकी वजह से आप थाउजेंड पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो मास मार्केट सिस्टम क्रिएट करने के लिए। फेडरली फंडेड जो सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, इनकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, जनरल रिसर्च डिपार्टमेंट जो लाइफ साइंस से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो गवर्नमेंट सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड रिसर्च में इन्वॉल्व होती है, फंडिंग करती रहती है, ताकि कंपनी की एक तो IT में कंपनी आगे जाए, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो, दूसरा कंट्री के डिफरेंट डायनामिक इंडस्ट्रीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, साइंस, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। ये तो थी उसकी टाइप्स कंप्यूटर, उसकी मेन टाइप्स। अब हम एक छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है आज के दौर में, ये चेंज बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। नेटवर्क की फील्ड में भी है, टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में भी है, चेंज हर जगह है, इम्प्रूवमेंट एडवांसमेंट हर रोज़ नहीं आ रही हैं। डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट जो सिस्टम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, बेसिकली वो रिलाय कर रहे होते हैं डिजिटल नेटवर्किंग पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए,
जो इन्फॉर्मेशन डाटा की फॉर्म में भी हो सकती हैं, ग्राफिक की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वीडियो या वॉइस की फॉर्म में भी हो सकती हैं। दुनिया के हर कोने में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, वो कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क और इंटरनेट को यूज़ करती हैं। अपने सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए, बाय फाइंड आउट करने के लिए इंटरनेट को यूज़ किया जाता है, नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनेट और नेटवर्क को इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि आप अपने सर्वर ज़्यादा बेटरली, ज़्यादा अच्छे तरीके और फास्टर वे में कन्वे कर सको, जैसे आप पहले नहीं कर सकते थे, कि अपने कंपेटिटर से ज़्यादा अच्छी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने कस्टमर को, अपने बायर्स को, अपने सप्लायर्स को, ताकि आपका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव करे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और आपको अपने कंपेटिटर पे कंपेटिटिव एज मिल जाए। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, चाहे थ्रू पब्लिक नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। अब नेटवर्क को अगर डिफाइन करें, हमने कहा कम्युनिकेशन सिस्टम है क्रिएटेड बाय लिंकिंग टू और मोर डिवाइसेस एंड एस्टैब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी बाय विच दे कैन कम्युनिकेट। बेसिकली नेटवर्क क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है जो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को लिंक करता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन के लिए जो मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क है दुनिया में, वो इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, दुनिया किसी एक कोने में बैठ के दूसरे कोने में लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, वीडियो फॉर्म में हो, ग्राफिक की फॉर्म में हो, ऑडियो की फॉर्म में हो, आप सेंड कर सकते हो। यानी मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को यूज़ करता है और मिलियन ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देता है आपस में। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम या नेटवर्क सिस्टम जो ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते थे, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं होते थे। आज के दौर में इंटरनेट के थ्रू कुछ ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइसेस बिजनेस क्या कर सकते हैं? बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया ग्लोबली रीच कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ, और ज़्यादा रिलायबली डाटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर किए जा सकते हैं, जो बिजनेस के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। नेटवर्क रेंज का आ रहा होता है दो स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क से बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑल इंटरनेट। यानी नेटवर्क के थ्रू आप दो कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हो, और इंटरनेट जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू आप मिलियन ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, डाटा शेयर किया जा सकता है। नेटवर्क के बेसिकली दो बेनिफिट हैं, दो प्रिंसिपल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एक तो इसके थ्रू आपको एबिलिटी होती है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और दूसरी जो है आपको एबिलिटी ऑफ शेयरिंग, आप वीडियो शेयर कर सकते हो, ऑडियो शेयर कर सकते हो, ग्राफिक शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग थ्रू इंटरनेट। इन टुडे एज कॉर्पोरेट डिजिटल नेटवर्क में कम्बिनेशन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन कहते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क की जैसे भी हमने बात की, हमने कहा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कनेक्ट कर रहा होता है टू और मोर डिवाइसेस को, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। नेटवर्क की ये टाइप्स हैं, लैन, वैन और मैन। लैन क्या करता है? ये डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, विच आर इन प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। दैट मीन कि जो कंप्यूटर आपस में किसी एक बिल्डिंग में है, स्कूल में या घर में है, उन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसे लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। इसको यूज़ किया जाता है, यूज़फुल होता है डिफरेंट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। फाइल शेयर कर सकते हो, प्रिंटर्स, गेम्स और अदर एप्लीकेशन शेयर किया जा सकता है। यानी उन कंप्यूटर को जो एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, एक बिल्डिंग में है या एक स्कूल में है या एक घर में है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क सिस्टम यूज़ करते हैं, वो है लैन। नेक्स्ट है हमारे पास मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क यूजुअली स्पैनिंग अ सिटी। मोस्ट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या लार्ज कंपनीज दैट स्पैन अ कैंपस, यूजुअली वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही होती हैं
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। इसकी अगर एग्जांपल की बात करिए, हमने कहा एक कॉलेज है जिसका एक वेस्ट में कैंपस है, एक ईस्ट में कैंपस है। अब इन दोनों कैंपस को आपस में कनेक्ट करना है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो नेटवर्क सिस्टम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे मैन। नेक्स्ट है हमारे पास वैन, इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अ वैन स्पैन्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट, प्रोविंस ऑफ अ कंट्री। वैन ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क सच एज लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें, हमने कहा सपोज अगर कंपनी है उसका एक ऑफिस सिडनी में है, एक ऑफिस बोस्टन में है और एक ऑफिस लंदन में है। इन तीनों ऑफिस को आपस में कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट करना है, डाटा शेयर ट्रांसफ़र करना है, तो जो ये नेटवर्क सिस्टम यूज़ करेंगे वो ये वैन यूज़ करेंगे। यानी अगर आप डिफरेंट प्रोविंसेस में हो या डिफरेंट सिटी में हो, डिफरेंट स्टेट में हो, तब आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो जो नेटवर्क सिस्टम यूज़ करते हैं वो वैन यूज़ करते हैं। मोस्ट पॉपुलर वैन क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी दुनिया किसी भी कोने में तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। डाटा कम्युनिकेशन जो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट डाटा कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे वो कंपनी के दरमियान हो, उसके सप्लायर के साथ हो या कस्टमर के साथ हो, कंपनी को डिफरेंट एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रही होती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली और एज फास्टली मूव हो रही होती हैं। किसी भी नेटवर्क सिस्टम में टिपिकली चार चीज़ें शामिल होती हैं, कंप्यूटर वगैरह तो शामिल होते हैं, उसके अलावा जो चार चीज़ें होती हैं, मैं सबसे पहले प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि एवरीवन विल यूज़ द सेम लैंग्वेज, स्पीक द सेम लैंग्वेज। नेक्स्ट थिंग इज दैट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर की बैक पे प्लग इन किया जाता है, ताकि आप अपने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन या मैसेजेस सेंड कर सको और रिसीव कर सको। विदाउट NIC ना तो इन्फॉर्मेशन सेंड की जा सकती है, ना ही रिसीव की जाती है, ना ही आप डाटा कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते इसके बगैर। नेक्स्ट है हमारे पास केबल। केबल बेसिकली क्या है? ये मीडियम है जो आप ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। द लास्ट वन इज हब, स्विच या रूटर भी कहते हैं। ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है कम्युनिकेशन की बेसिकली। इट्स अ हार्डवेयर टू परफॉर्म ट्रैफिक कंट्रोल। कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिफरेंट और टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, मीडिया वगैरह, ये हम सारे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।